हेलो दोस्तों, मैं पुनीत उमराव आपका उमराव एकेडमी में हार्दिक स्वागत करता हूँ। आपने जब भी इंग्लिश पढ़ा होगा, कोई ना कोई कंफ्यूजन आपकी माइंड में आती ही रहती है। जैसे ही एक टॉपिक होता है हमारा सिमिलर टू पिलर, नंबर चेंज, नंबर का जो टॉपिक होता है उसमें एक रूल होता है। रूल क्या होता है, यदि किसी मीनिंग के अंत में एस डबल एस एस एच सी एच एच और जेड आ जाता है, तो अगर मीनिंग को प्यूलर में चेंज करना रहता है तो हम उस पे ई एस लगा देते हैं। क्या लगा देते हैं? ई एस लगा देते हैं। चलिए देखते हैं। जैसा कि हमारा पहला दिया गया क्या, बस। अब इसमें हमारा क्या आया? यस आया। यस आया तो इसको हमने प्यूलर में चेंज किया तो हमारा क्या हो गया? बसेस। लेकिन अब वैसे ही बुश है, बुश को भी लास्ट में क्या आया? एस एच आया। ऐसे चाहा तो हमने क्या किया कि बुश में भी हमने क्या लगा दिया? ईएस लगा दिया। वैसे ही लास्ट में कह रहा है अगर जेड आ जाए, क्या आ जाए? जेड आ जाए, तो इसको भी हमने क्या कर दिया भाई? इसको चेंज कर दिया प्यूलर में, तो हमारा क्या हो गया? ईएस लगा दिया, तो पजेस हो गया। अब बात हो गई बॉक्स, तो बॉक्स को हमने अगर चेंज किया प्यूलर में तो यक्स लास्ट में आया तो हमने क्या लगा दिया? ईएस लगा दिया। और बंच क्या आया? बंच। अगर बंच आया लास्ट में तो हमको प्यूलर में चेंज करना है तो हमने क्या किया? बी यू एन सी एच ई एस, बंचेस कर दिया। लेकिन अब बात आ गई स्टमक की। किसकी आ गई? स्टमक की। लेकिन इसका प्यूलर में हम ई एस नहीं लगाते। क्या नहीं लगाते? ई एस नहीं लगाते। हम लोग क्या लगाते हैं? एस टी ओ एम ए सी एच एस लगा देते हैं। क्या लगा देते हैं? केवल यस लगा देते हैं। आखिर ऐसा क्यों? तो आइए जानते हैं आज कि ऐसा क्यों होता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि बेटा ये सी एच जो आया, जब आप इसका उच्चारण करते हैं, क्या करते हैं? उच्चारण करते हैं तो हमारे मुंह से निकलता है बंच, चा निकलता है। तो मतलब जहां पे सी एच का मतलब क्या निकले? चा निकले। क्या निकले? चा निकले, तो वहां पे हम लगाते हैं ई एस। क्या लगाते हैं? ई एस लगाते हैं। और जहां पे हमारा, जब इसको हम पढ़ते हैं तो क्या पढ़ते हैं? स्टमक। क्या पढ़ते हैं? स्टमक। इसका मतलब सी एच का मतलब क्या निकल के आया? का निकल के आया। क्या निकल के आया? का निकल के आया। तो जब भी सी एच का उच्चारण करने पर, अगर सी एच का उच्चारण करने पे का आए, क्या आए? का आ जाए, का आ जाए, तो प्यूलर बनाते समय हमको ई एस नहीं लगाना होता। क्या नहीं लगाना होता? ईएस नहीं लगाना होता। हमको सिंपल से चेंज कर दिया जाता है क्या? स्टमक में केवल लास्ट में क्या लगता है? यस लगता है। क्यों लगता है? मैंने आपको डिफरेंस बताया। यदि सी एच का मतलब चाओ तो उसको ईएस लगाते प्यूलर बनाते समय, और यदि सी एच का मतलब का हो तो उसको प्यूलर बनाते समय हमेशा यस लगाते हैं। क्या लगाते हैं? यस लगाते हैं। जैसे दूसरी मीनिंग एक और दी गई है, मोनार्च। मोनार्क, इसको क्या पढ़ते हैं? इसको पढ़ते हैं मोनार्क। क्या पढ़ते हैं? मोनार्क। तो अब इसका भी उच्चारण सी एच का आया। क्या आया? का आया। तो इसलिए इसको अगर हम प्यूलर में चेंज करें तो हमारा हो जाएगा मोनार्च, मतलब कि एस हो जाएगा। आपको समझ में आ गया होगा। मेरा कहने का मतलब ये है कि जब भी सी एच आए और सी एच का उच्चारण करने पर, क्या करने पर? उच्चारण करने पर अगर सी एच का मतलब क्या निकले? चा निकले, तो प्यूलर बनाते समय हम ई एस लगाते हैं। और यदि सी एच का उच्चारण करते समय यदि का निकले तो हम क्या लगाते हैं? यस लगाते हैं। तो ये थी डिफरेंस सी एच का, कि कभी यस लगता है कभी ई एस लगता है। तो क्यों लगता है? मैंने आपको अभी बता दिया। जस्ट आपको मेरे ख्याल से पूरा समझ में आ गया होगा कि ऐसा डिफरेंस क्यों होता है। तो ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे उमराव एकेडमी को आप लोग सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं, ताकि नोटिफिकेशन आप तक आसानी से जल्द और जल्द पहुंचता रहे। थैंक यू।